नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है आटे की टेस्टी बर्फी। आटे की टेस्टी बर्फी सिर्फ हम एक चम्मच घी से बनाएंगे। तो ये आटे की टेस्टी बर्फी उनके लिए है जो घी आयल बिल्कुल कम खाते हैं, उनके लिए है। तो यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। एक कप हमने आटा ऐड किया, वजन में 200 ग्राम आटा है। मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे और साथ ही इसमें आधा कप हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी हमारा 100 ग्राम है और इस तरह हम इसको ब्राउन करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल सूखा ही ब्राउन करेंगे, इसमें घी हमने नहीं यूज़ करना है। इसमें आप घी भी यूज़ कर सकते हो, अगर आधा कप आप शुद्ध घी भी ऐड करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, हमने 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है, बिल्कुल ब्राउन रंग का बन के तैयार हो गया है। आटे की सुगंध बढ़िया आने लगी है। अब इस तरह हमारी बर्फी बिल्कुल टेस्टी बनेगी, आटे का कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम एक चम्मच घी ऐड करेंगे, अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे इसमें आटे में। ये देखिए बिल्कुल सूखा सा है, थोड़ा सा इसमें हमने घी यूज़ किया है एक चम्मच। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना तो आप ज़्यादा भी डाल के एक आटे की बर्फी बना सकते हो। तो यहाँ हमारा आटा बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है, अच्छी तरह भुना गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम गैस चूल्हे से नीचे उतार देते हैं, कुछ देर ये ठंडा होता रहेगा। उसके बाद में हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी हम कैरीमल बना के बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ हम 1.5 कप शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि आटे की बर्फी में या मैदे की बर्फी में या बेसन की बर्फी में अगर मीठा बहुत कम हो तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए हमने यहाँ 1.5 कप, मतलब जितना हमारा सूजी और आटा है उतना ही हमने शुगर ऐड किया है। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम से चला रखा है, हमने पानी नहीं ऐड किया है। और इस तरह हम चीनी को पिघलने देते हैं। जैसे जैसे ये पिघलता है वैसे वैसे ये ब्राउन रंग का होता जाता है, कैरीमल बनता जाता है। ये देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, मतलब हमारे चीनी दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ब्राउन रंग का हो जाता है। ये देखिए अब ये कैरीमल जैसा बन के तैयार हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसमें हम 2 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ दूध हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, ये देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमारा चीनी धीरे धीरे पिघलता है और मिक्स होता जाता है। तो इस तरह हम 2 कप दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए ये धीरे धीरे बिल्कुल ब्राउन रंग का बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए उबलने के बाद पूरा ब्राउन रंग का हो जाता है। उसके बाद 1 कप जो दूध और बचा इसमें हम डाल देते हैं। दूध डालने से ये होता है कि हमारी आटे की बर्फी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है, इसमें मावा जैसा टेक्चर आ जाता है। तो इस तरह हम बनाएंगे टेस्टी बर्फी। अब इसको हम 5-7 मिनट पकने देते हैं। इसी तरह हम 5-7 मिनट पकने देते हैं। जब दूध हमारा बिल्कुल हाफ हो जाता है, मतलब 2 कप हमने ऐड किया है, जब 1 कप बच जाता है तब हम ब्राउन किया हुआ आटा ऐड करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह पक गया है, ये दूध हमारा आधा हो गया है। अब यहाँ हम आटा ऐड कर देंगे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम ऐड कर देंगे और इस तरह हम मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे बिल्कुल ये गाढ़ा होता जाता है और तुरंत ये सूख जाता है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ब्राउन रंग की हमारी बर्फी बनके तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल सूख गया है। यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। ये देखिए हल्का सा ठंडा करेंगे। उसके बाद आपके पास कोई केक टीन हो या ट्रे हो या प्लेट हो या थाली में हो, उस शेप में आप बर्फी बना सकते हो, मोटी पतली जैसी भी। तो हमने केक टीन लिया है, इसमें हम पहले घी लेप कर देते हैं। ये देखिए घी इसमें हम ग्रीस कर देते हैं। उसके बाद हम इसको केक टीन में डाल देंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बर्फी किस तरह है। ये देखिए तुरंत ये थोड़ा सा ठंडा होता है और गोली सी बन जाती है। इस शेप में हमारी बर्फी अच्छी तरह जम जाएगी। आप कोई ट्रे में डाल सकते हो, कोई प्लेट में डाल सकते हो, मोटी पतली जैसे आपकी मर्जी है उस शेप में रख सकते हो। तो हम केक टिन में डाल देंगे, थोड़े मोटे साइज की बनाएंगे इसलिए हमने केक टिन में डाल दिया है। और इसको हम अच्छी तरह प्लेन कर देते हैं, ऊपर से अच्छी तरह शेप अच्छा दे देते हैं और इसको हम हाथ से भी बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, अच्छी तरह ये हमारी बर्फी जम जाए, फिर हम आपको कट के दिखा देंगे। तो ये देखिए 4 घंटे के बाद ये अच्छी तरह ठंडी हो गई है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, केक
केक टिन को हमने मीडियम फ्लेम पे रख के हल्का सा इसे नीचे से गर्म कर लिया है और इस तरह ठोंक के और ये तुरंत निकल जाता है। ये देखिए तो बिल्कुल सेफ पीस में ये निकल गया है। ऊपर से हम बर्क लगा दें, कोई ड्राई फ्रूट जितना आपको ऐड करना ऊपर से उतना ड्राई फ्रूट आप ऊपर बारीक काट के डाल सकते हो। तो ये देखिए इस तरह पहले हमने बर्क लगा दिया है, थोड़ा सा हम पिस्ता बादाम इसके ऊपर डाल देंगे और हमारी ये बर्फी बिल्कुल तैयार है। इसको किसी भी शेप में आप कट सकते हो। ये हमने गोल्ड केक टिन में डाल दिया है इसलिए इसका आकार जो है तिकोने जैसा बनेगा। ये देखिए इस तरह हम कट कर देंगे, जिस तरह हम केक को काटते हैं उसी तरह हम ये इसको कट कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से इधर मार दिया और दोनों तरफ से इधर मार दिया, अब ये बिल्कुल केक जैसा बन के तैयार हो गया। ये देखिए अब इसके पीस बिल्कुल तिकोने साइज के बन गए हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बर्फी हमारी बनके तैयार है और बेहद स्वाद होती है। इसमें मीठा हमने उतना ही ऐड किया है जितनी ये टेस्टी लगे। तो इस तरह हमारी बर्फी बिल्कुल टेस्टी तैयार है, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हो। सिर्फ हमने एक कप आटे से मतलब 200 ग्राम आटे से तैयार किया। ये देखिए इसके पीस बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए तो इसको आप 5-7 दिन स्टोर करके भी खा सकते हो और बहुत टेस्टी बर्फी होती है, क्योंकि जो शुगर हमने बनाया कैरीमल बनाया तो इस तरह की बर्फी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह की बर्फी आप अपने घर में आसानी से बना सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएँ।